الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد आज यहाँ पर गांधीनगर जमात की जानिब से इसी तरीके से जो है यहाँ रमीला भाई के हाथ में जो है उनको खुशी कर रहे हैं तो आपके दोनों चीज की जरूरत थी और आपके दोनों मेरे माँ बहन
किए हैं, जमात के लोग हमारे उलमा में काफी काम किए हैं। बच्चे खामोश आवाज नहीं कर सकते। बात करते रुआज से अगर हम सब मैं और आप सब मेरे बड़े भाई साहब के लोग चाहत का मर्यादा नहीं किए तो बहुत बहुत बड़ी गलती होगी हमारी। तो उन्होंने जितना योगदान देने के लिए काम किया है, इससे शायद कोई किया होगा। गांधी नगर ही नहीं, पूरे सरकार शहर का है। उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। वो सुबह 6 बजे यहाँ पे आते थे, फहीम भाई कॉपरेटर थे, उनके साथ में रहते थे। फहीम भाई और वो साथ में मिलते गली गली घूमते थे, यहाँ पे हर काम किया। उन्होंने कभी देखा नहीं कि सुबह के 6 बजे है कि रात के 10 बजे। वो सिर्फ अपने लोगों की सहूलत, अपनी माँ बहन आराम से रहना यही सोचते हुए वो आगे काम करते आए। और आप दुआ कीजिए कि उनके ही नक्शे कदम पे मैं चल के आगे चल के मैं काम करूँ। काम करना तो होता है, साथ ही साथ ईमानदारी से काम करना वो बहुत जरूरी है। मुझे आज भी याद है 2018 में मैंने पहली बार किसी इलेक्शन रैली या स्पीच में बात की थी और वो यही गांधीनगर में हुई थी। और इसके बाद में तब से मुझे जितना प्यार यहाँ से मिला है या जितनी इज्जत मिली है और सबसे बड़ी चीज़ जितनी दुआएं मिली हैं हम सब को, उसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपका। दूसरी चीज़, मुझे नहीं पता कि कितने लोग को पता है यहाँ पे, लेकिन जब काउंटिंग स्टार्ट हुई थी पहले 6-7 राउंड तक हम तकरीबन 5,000 वोट से पीछे थे और काफ़ी टेंशन था हर जगह। वहाँ काउंटिंग रूम में भी बहुत सारा टेंशन था, लेकिन मुझे उतना टेंशन नहीं हो रहा था सिर्फ इस बात से कि जब 8वां राउंड खुलेगा वो होगा अमन नगर का और युगांधी नगर का। और जब वो बॉक्स खुला 8वां राउंड, माशाल्लाह हम उस एक राउंड में हमने 8,300 वोट दिए, 150 वोट। तो इससे बड़ी बात हमारे लिए हो नहीं सकती कि हम अपनी एकता इतनी इतनी शिद्दत से दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे बाहर इलेक्शन के वक्त कि देखो गांधीनगर में क्या होगा, देखो अमन नगर में क्या होगा। 13 तारीख को गांधीनगर ने भी दिखाया क्या क्या हुआ और अमन नगर में दिखाया। बस एक ही गुजारिश है आप सबसे कि हमेशा प्यार तो रहिए ही, लेकिन आपकी दुआ बहुत जरूरी है हम सबके साथ। और जितनी आप दुआ करेंगे उतनी हम मेहनत जरूर करेंगे। शायद वो काम के लिए 10-15 दिन आगे पीछे हो जाए तो वो एक संभाल लेना, लेकिन काम इंशाल्लाह जरूर होगा। इसकी आप दुआ करना और हम मेहनत करना। शुक्रिया इतना प्यार देने का। आप बोलिए।
पांच साल जो इंतजार करे अब इंशाल्लाह ये इंतजार आपका खत्म होगा। हमारा काम पांच मिनट तक चालू कर रहा हूँ, कितने वक्त में वादा दे रहा हूँ। बार बार हमें एक ही बात पूछ रहे हैं, मुझे आने के लिए 9 बजे कहा हमारे गली का क्या होगा।